हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि किस टाइप के वेसल में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता है, किस टाइप का वेसल ज्वाइन करूं कि इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिले। तो दोस्तों, आज मैं इसी पे बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जैसे दूसरों को भी पता चल सके। तो दोस्तों, ज्यादा देरी न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं किस टाइप के वेसल्स में सबसे ज्यादा सैलरी होता है। तो दोस्तों, क्या है, पहला जो वेसल है सबसे ज़्यादा सैलरी आपको गैस टैंकर वेसल पे मिलेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा सैलरी गैस टैंकर वेसल पे होता है, उससे ज़्यादा शायद किसी में नहीं होता। शायद क्या, 100% किसी में नहीं होता। ठीक है, तो गैस टैंकर पे सबसे ज़्यादा सैलरी होता है। अगर आपको गैस टैंकर पे ज्वाइनिंग मिल रहा है तो आप बिल्कुल कर लीजिए, उसमें आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगा। ठीक है ना, बट हाँ, गैस टैंकर पे सबसे ज़्यादा सैलरी है लेकिन रिस्क भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि गैस समझते हैं एक बम से कम नहीं होता। ठीक है ना, वैसे उतना रिस्की तो है ही है, तो उस पर रिस्क के हिसाब से, उस हिसाब से उसको और देखा भी जाता है कि क्या इसमें क्या रिस्क है क्या नहीं रिस्क है, वो सारे इक्विपमेंट रहते हैं। ठीक है ना, तो उतना टेंशन मत लीजिए, लेकिन गैस टैंकर है तो गैस टैंकर रिस्की है। ठीक है, एक चीज जानो, जितना रिस्क होगा उतना पैसा होगा। जिस फील्ड में आप जाएंगे जितना रिस्क है उतना ही पैसा है। ठीक है ना, उसके बाद आता है अपना टैंकर। ठीक है, ऑयल टैंकर ये सब जितने भी होते हैं, तो गैस टैंकर बाद ऑयल टैंकर ये सब में उससे कम सैलरी है। गैस टैंकर से कम सैलरी है ऑयल टैंकर में। ठीक है ना, तो ये मत सोचिएगा कि ऑयल टैंकर में ज़्यादा है, गैस टैंकर में कम सैलरी, तो ऐसा नहीं है। ऑयल टैंकर में कम सैलरी है गैस टैंकर की अपेक्षा। ठीक है, गैस टैंकर में सबसे ज़्यादा है, तो ऑयल टैंकर में थोड़ा थोड़ा उससे कम है। उसके बाद अपना ये हो गया, फिर क्योंकि देखिए ऑयल टैंकर में भी रिस्क है। ठीक है ना, मैं बोला ना, जिसमें जितना रिस्क होगा उतनी सैलरी होगी। गैस टैंकर में ज़्यादा रिस्क है इसलिए ज़्यादा सैलरी है, ऑयल टैंकर में उससे कम रिस्क है इसलिए थोड़ा बहुत उससे कम सैलरी है। ठीक है, उसके बाद अपना जैसे बैल कैरियर होते हैं, कार्गो वेसल। ठीक है ना, कार्गो वेसल में उसके बाद सैलरी आपको मिलेगा। कार्गो वेसल हुआ, उसके बाद पैसेंजर शिप मान के चलिए, ये सब सेम सैलरी रहता है। ठीक है ना, तो और जो सबसे कम सैलरी है वो है, अब सबसे कम नहीं बोल सकता हूँ, तो मतलब अपना कार्गो वेसल और पैसेंजर शिप से लगभग, तो उससे जो कम सैलरी होता है वो कंटेनर वेसल में। ठीक है ना, तो उसके बाद आपका कंटेनर वेसल आता है जो आपको इन सबसे कम सैलरी मिलता है, जैसे गैस टैंकर, ऑयल टैंकर, कार्गो वेसल। ठीक है ना, ये सबसे आपको थोड़ा बहुत कम मिलेगा। तो आपका लास्ट हो गया अपना कंटेनर, कंटेनर में इन सबसे थोड़ा कम सैलरी रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप फिर सप्लाई वेसल हुआ, अपना टग बोट हुए, सब तो मैं बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ। ठीक है ना, तो हमको केवल यही बताना था कि सबसे ज़्यादा सैलरी किस में मिलता है। तो सबसे ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगा गैस टैंकर में। अगर आपको गैस टैंकर में ज्वाइनिंग मिल रहा है तो आप चले जाइए, आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा और आप आगे जल्दी ग्रो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अगर मौका मिले तो प्लीज़ जाइएगा, उसके लिए कोर्स होता है, आप गैस का कोर्स ज़रूर करके रखिएगा, जैसे आपको चांस मिले तो आप तुरंत ज्वाइनिंग कर सके। ऐसा नहीं कि पता लगा वैकेंसी आई हुई है, आपके पास कोर्स नहीं, तब आप कोर्स करने जाएंगे, तब तक दूसरे बंदे रहेंगे, वो अप्लाई करके चले जाएंगे। इसलिए अगर आपका मन गैस में जाने का है तो उससे रिलेटेड जितने भी कोर्स होते हैं वो सब कर लीजिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल भी मत चूकना, नहीं तो पता लगा वैकेंसी आई है तब आप कोर्स करने चले गए, या कंपनी में गए, कंपनी में वैकेंसी है, कंपनी बोलेगी कोर्स दिखाओ, आपके पास कोर्स रहेगा ही नहीं। इसलिए कोर्स हमेशा आप रेडी रहिए, हमेशा रेडी रहिए, कुछ भी कोर्स मांगे तुरंत आप दिखा दीजिएगा, हाँ ये मेरे पास कोर्स है। ठीक है ना, तो किसी भी चीज़ से आप चूको मत, जैसे ही मौका मिले अंदर चले जाओ। ठीक है ना, जैसे ही मौका मिले आप तुरंत कूद जाओ और अपना फ्यूचर अच्छे से
अपने फ्यूचर अपना अच्छा से ग्रो करो, ठीक है ना। पूरी यही खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। बस दोस्तों यही बताना था हमको इस वीडियो में, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे तो, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है ऐसे ही सारे, तो मैं बोला ठीक है इस पे मैं वीडियो बना देता हूं। अगर आप लोगों को भी और कुछ पूछना तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।